As-salatu was-salam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'loon in kuntum mu'minin. Sadaqallahu al-azim. मोहतरम सदर मस्जिद फरशपुरा और इमाम और खतीब और दीगर जिम्मेदारान, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज जुमा के मौके से आपके सामने मैं दो बातें रखना चाहूंगा। एक बात, चूंकि ये रजब का महीना है और आएगा 3 दिन के बाद 27 रजब शबे मेराज के नाम से मनाई जाती है। मुख्तसरन और याद दहानी के तौर पर उसका क्या पैगाम हमें इन हालात में मिलता है वो बताऊंगा, और फिर मौजूदा हालात में हमारे लिए जो करने के काम हैं उस पर भी कुछ रहनुमाई की जाएगी। मोहतरम हजरात, जैसा कि हम जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी बनाए जाने के बाद आप मक्के में 13 साल रहे और मदीने में 10 साल रहे। इस तरह आपकी 23 साल नबुवत की जिंदगी है। ये 23 साल वो रोशन बाब है और वो दिलचस्प और वह तारीखी सीरत है, वो इंकलाबी सीरत है जिसने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे इस्लाम को एक खालिद दीन की हैसियत से और उसके कवानीन को माशरे में पूरी तरह नाफिज करने और जारी करने का एक इंकलाबी कारनामा अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की एक जमात से लिया। इस पर सूरह फतह में कुरान मजीद कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم। 23 साल में इतना बड़ा इंकलाब, ऐसी हमागीर तब्दीली, जो तब्दीली 950 साल में नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से मुमकिन नहीं हो सकी, वो तब्दीली सिर्फ 23 साल की कोशिशों में कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के जहन और फिक्र को बदल दिया, कैसे उनके सोचने के अंदाज को बदल दिया, कैसे उनके अकीदा और आस्था को बदल दिया, कैसे
अंदर से बदल दिया, कैसे उनको बाहर से बदल दिया, कैसे एक एक फर्द को अंदर तब्दीली लाई, कैसे पूरे समाज और मुल्क और रियासत के अंदर एक महसूस होने वाला चेंज लाया, एक मुकम्मल तब्दीली, एक हमागीर इनकलाब। क्या राज है इसके पीछे? कुरान कहता है इसके पीछे जो राज है कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, इसके पीछे दो राज हैं। उस राज को फाश करते हुए अल्लाह ताला सूरह फतह में कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला राज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तहरीक को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी लीडरशिप मिली है, इस नजरिए को, इस जमात को, इस मिशन को, इस दावत को जो लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कायद हैं, इसलिए ये तहरीक 23 साल में कामयाब हुई। दूसरा राज बताते हुए कुरान कहता है वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। दूसरा कामयाबी का राज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे साथी मिले, ऐसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मिले। पहले उनकी नेगेटिव सिफत बताई गई और उसके बाद पॉजिटिव सिफत बताई गई। उनकी पहली सिफत यह है कि जिस जाहिलियत और कुफ्र के माहौल से वो आए थे उससे ऐसी नफरत करने लगे कि कुफ्र और जाहिलियत के लिए वो लोहे के चने थे, वो बड़े सख्त थे। अशिद्दा वलल कुफार, वो उन्हें कोई खरीद नहीं सकता था, कोई उन्हें फुसला नहीं सकता था और कोई उन्हें लालच देकर सौदा नहीं कर सकता था, कोई उन्हें डराकर बिठा नहीं सकता था, कोई उन्हें लालच देकर रुका नहीं सकता था, कोई उन्हें ना बेच सकता था ना खरीद सकता था और कोई किसी मुल्क और किसी कौम के हाजमे में इतनी कुव्वत और ताकत नहीं थी कि कोई उन्हें हजम कर ले, कोई उन्हें मेन स्ट्रीम में जस्ट कर ले, कोई उन्हें बहती गंगा में बहा ले, ये किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं थी। कोई उन्हें अपने रंग में रंग दे किसी के बस की बात नहीं थी। उनका एक खालिस रंग था, ऐसा गहरा रंग था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और कुरान और तौहीद के जरिए रंग दिया था। उस रंग को सूरह बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं सिबगतुल्लाह। वो रंग हरा लाल पीला नहीं था, उस रंग का कोई रंग नहीं था, उस रंग का एक नाम था, वो नाम है सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन नहसनु मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका हो सकता है। वरना नू लहू मुस्लिमों, और हम सबसे पहले इबादत गुजार बनते हैं। किसी रंग में इतनी गहराई और गहराई नहीं थी कि अल्लाह का रंग जो सहाबा पर चढ़ा दिया गया था उस रंग को डाइल्यूट कर सके, उस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ा सके। इसीलिए कहा गया अशिद्दाउल कुफ्फार, दीन गालिब हुआ, इस्लाम जारी और नाफिज हुआ, इस्लाम एक नजरिए और एक आइडियोलॉजी के तौर पर इस जमीन के ऊपर चलता फिरता, अल्लाह का दीन नजर आने लगा। तो उसका दूसरा राज यह है कि इन्हें ऐसी टीम मिली थी
स्टेटमेंट दे दिया, कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। नहीं, उस दौर के तारीख और उस दौर के अमेरिका और रशिया, आज रशिया किस तरह गुरूर में चूर गए और कैसे पड़ोसी मुल्क पर हमला कर रहा है हम देख रहे हैं। उस दौर के ईरान और रूम दो बड़ी शक्तियां थी। ईरान के बादशाह ने हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साथी जो जंगे तबूक में पीछे रह गए थे, जिनका सोशल बाइकॉट किया गया था, उनका सलाम लेने का हुक्म नहीं था, उनसे बातचीत करने का हुक्म नहीं था, सिर्फ इस बात पर कि वो जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के साथ नहीं चले और ये बोले कि हम जरा अपना कारोबार और खेता देख लेके आ रहे हैं, हमारे पास घोड़े बहुत अच्छे हैं, इनोवा गाड़ियां हैं हमारे, आप चलिए हम पीछे आ रहे हैं। और बेशक वो मुखलिस थे लेकिन दिल पूरा खड़ी हुई फसलों की तरफ, अपने दुकानों और कारोबार की तरफ था। इतना कसूर पकड़ आई, कहा गया कि ये इतना बड़ा कसूर है कि इसका नोटिस अल्लाह ताला ले लिया है और इन लोगों से कोई सलाम कलाम नहीं, कोई बातचीत नहीं। जब ये मालूम हुआ तो हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को मस्जिद नबवी के पिल्लर से बांध लिए। उस हदीस में आता है जिसके रावी वो खुद हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते, मस्जिद नबवी में, मैं सलाम करता, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख फेरते, फिर मैं रुख उस तरफ फेरता जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े, फिर सलाम करता, फिर रुख फेर लेते, कोई जवाब नहीं। मैं अपने आप पर मलामत करते रहता कि क्या गलती थी मैंने की थी। आज अंदाजा है किस तरह हम इज्तमाइयत को तार तार कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बिजनेसमैन, हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे एमटेक, हमारे बीटेक, हर एक कहता है कि कोई रहनुमा नहीं है, कोई रहनुमाई नहीं है। और कैसी रहनुमाई चाहिए आपको? कुरान मजीद मौजूद है, जमातें मौजूद हैं, जमातों के जिम्मेदारान मौजूद हैं, तमाशा बना दिया है, इज्तमाइयत का शिराजा बिखर चुका है। कुफ्र यही तो चाहता है कि इनकी इज्तमाइयत को तार तार कर दिया जाए और हर एक अपनी जगह एक खुद परस्त और आजाद पंछी की तरह रहना चाहता है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर होता या हजरत उमर होते तो हरेक का नोटिस लेते, वही का सिलसिला जारी होता तो हमारे खिलाफ भी शायद सोशल बैकआउट होता। ऐसे हालात में ईरान के रुस्तम ने एक एलची को एक लेटर देकर भेजा। वो लेटर ये था कि आए काब, आप समाज के बड़े आदमी हैं, मौसिजीन में है आप, मालूम हुआ कि आपके साहेब ने आपकी बहुत बेइज्जती कर रखी है, आपसे सलाम कलाम नहीं लिया जा रहा है, कई गुर है वहां पे, आप आ जाओ हमारे पास, आपको मुखर्रबीन में हम कैबिनेट में शामिल कर लें। कौन बोल रहा है? अमरीका बोल रहा है। यहां अमरीका जाके और तारा साफ करके पेपरा बांट के आए तो लोग अमरीका जाके ही बोलते। उस दौर का अमेरिका काब बिन मालिक को ऑफर दिया है और कह रहा है कि आओ आपको कैबिनेट में शामिल करेंगे, यहां कहीं को पड़े हुए हैं पैरों में। उस लेटर को पढ़ के जरा सोचिए, ऐसा लेटर हम आपको आन दे आज पीएम सीएम की तरफ से, कौन से आठवें आसमान पर गति, दीन कहां से खाली भरता है? खाली डीसी कर जाके आए तो कितने व्हाट्सएप में भेजते हैं, एसपी से मिल गया, डीसी से मिल गया। बल्कि खुश होना था ना, रोना शुरू कर दिया और पुकार कर कहा, दिल
से मुखातिब हुआ हुए और कहा, ऐ काब, क्या तुम इतना गिर गए हो, इतना गिर गए हो अल्लाह की नजर में कि कुफर को तुमसे उम्मीद और तवक्के रखने लगा हो कि वो उसके काम के हैं आप, अब तुम इस्लाम के काम के नहीं रहे, तुम अब ईरान और रोम के काम के हो गए क्या? ऐ काब, अल्लाह की नजर में तुम कितने गिर गए। उसके बाद उस लेटर को उस एलची के सामने चाक किया और कहा कि जाओ रुस्तुम ईरान से कहो कि काब को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनके कदमों में रहने और उनके धूल में रहने और उनकी जितनी बेइज्जती की जाती है तुम्हारे अल्फाज में वो हमारी तरबियत के लिए है, हमें मंजूर है, खुशी खुशी इस बात से इसके मुकाबले में कि तुम हमको कैबिनेट में शामिल करो, हम खुश हैं इस पर, तुम जुरत कैसा करें हमारे पास ये ऑफर में। ये है वो किरदार जिससे दीन गालिब हुआ। दीन गालिब होना हमारी असल ख्वाहिश नहीं है, हमारा नस्बलैन नहीं है, हमारा मकसद जिंदगी नहीं है, हमारा मकसद नस्बलैन नोट कमाना, नोट जमाना, मई जमा, मेरा बच्चा जमना, मेरी दुनिया, मेरे बच्चों की दुनिया, वजीफा हो गया तो बेटियों की दुनिया, बेटों की दुनिया, नवासों की दुनिया, पोत्रों की दुनिया, एक घर बनाना, दूसरा घर बनाना, फला प्लाट को घेरना, उस पर कब्जा करना, कब्जा नहीं है तो कब्जा करेंगे लोग बोल के बाउंड्री बनाना, रात दिन ये नस्बलैन है, प्लाट में से आ रहे हैं, प्लाट को जाते हैं। दीन गालिब होना बल्कि है किसकी तो ख्वाहिश, और जरा पैसा आ गया तो नाम होना, मई 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 खुदा बन जाते। कौन बड़े हैं, कौन जिम्मेदार हैं, क्या रहनुमाई की जा रही है, कोई सुनने का है कि खाली सुनाना शुरू कर दे। तो कहा कि ये दीन गालिब इसलिए हुआ कि ऐसी दीन मिली थी जो जाहिलियत और कुफर से आई थी लेकिन जिस माहौल में रहकर आई थी, जब इन्हें तौहीद और रिसालत का अकीदा दिया गया तो उस माहौल से ऐसा नफरत करने लगे कि उस माहौल के लिए लोहे के चने साबित हुए। अशिद्दा मुबालगे का सिवा है, शदीद नहीं बल्कि अशिद्दा हो गए। रुहमाऊ बैनहुम, उनकी मुस्बत बात बाद में कही जा रही, यानी वो आपस में बड़े शफीक बड़े रहीम हैं, आपस में मोमिनीन एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टर हैं, संभालने वाले हैं, टोपियां उछालने वाले नहीं हैं, जरा किसी से गलती हो गई तो उसकी गलती को लेकर उड़ने वाले नहीं हैं, गावा चौक पे ठहर के तमाशा करने वाले नहीं हैं, भाई की इज्जत को तार-तार करने वाले नहीं हैं। सलाहियत है ना, कर रहे सवालों को देखते ना, कुछ मदद करते,
और ताना क्या मार दी, बोले कितने लोग अब तक तुम्हारे साथ है, कितने साल से काम कर रहे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने जय उमैया बिन खलफ के पास जाकर कहा कि उमैया मैं बिलाल को खरीदने आया, उससे कोई भीख नहीं मांगी आजादी की, तूने गुलाम खरीदा है या खरीदो फरोख चलती है, मैं भी खरीदने आया हूं। वो माहौल इंसानों के बिकने खरीदने का था। उमैया ने कहा अय अबू बकर अच्छा सोच लो, क्या तुम उसकी कीमत दोगे? कहा कि मान जो कीमत मांगता है। उसने सोचा कि ऐसी मोटी रकम बोलेंगे इस हबशी गुलाम के मुकाबले में, हम छोड़ के चले जाओ खरीदना चाहिए। तो उन्हें मोटी रकम बोला जो हबशी गुलाम के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, सरप्राइजिंग थी। उसके बाद सौदा मंजूर है बोल दिया, सौदा मंजूर है बोल के पूरा पेमेंट कर दिए। उन हैरान है क्या हो रहा है। अब बोले कहां है मेरा माल जिसको मैं खरीदा हूं? विकारत से बोला हुआ जंजीरों में बंधा हुआ पड़ा हुआ है, देखो तुम्हारा माल। जा रहे थे खोल ले बोल के, तो जाके खोल लेने जा रहे थे। जाते जाते जब वो जा रहे थे तो उसने एक ताना मारा। वो ताना ये था, हुशियार समझाता हूं मैं अबू बकर को, एक हबशी गुलाम को जिसके अंदर कुछ सलाहियत नहीं, पढ़ने लिखने नहीं आता, कुछ भी नहीं, उसको इतने मोटे दाम पे खरीद लिया क्या अबू बकर? बल्कि ताना मारा, गीरत ईमानी भड़क उठी। खोलने से पहले पलटे और उमैया के आंख में आंख डालकर कहा है उमैया सुन, अगर तू तो इस मोमिन बंदे के मुकाबिल में ये कीमत तो क्या, अगर तू यमन की सल्तनत भी मांगता तो वो सस्ती कीमत थी, वो सौदा सस्ता था। ये है इंपॉर्टेंस, ये है मुकाम एक मोमिन बंदे का, उसकी इज्जत का, उसके एहतराम का, उसकी कदरदानी का। अरे उमैया तू इस बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के बदले में यमन की सल्तनत भी मांगता तो सौदा सस्ता था। यह है मेरे नजदीक अहमियत। तो कहा कि दीन सिर्फ 23 साल में गालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी लीडरशिप रहने से हुआ, और दूसरा राज यह है कि इन्हें ऐसे सहाबा मिले जो समयना व ताना, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा हमने सुन लिया, सुनकर बैठ नहीं गया, ताना हमने उसकी तार की। या खालल्ला खाला रसूल कितने ही बोलो चिकने खड़े, इधर से सुन रहे उधर से छोड़ दी, ना बड़ा है ना छोटा है ना कुरान है ना हदीस है, एक महसूस होने वाली तब्दीली चाहिए। दुनिया हमें देख रही है, हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं। तो कहा कि रूहमा उबई न हो, साहबा की पहली सिफत कुफर के लिए सख्त थे, अशिद्दा थे, और आपस में बड़े रहीम और शफीक थे। यहां पूरा मामला उल्टा है, दूसरों बन जाते भीगी भी बिल्ली बन जाती। जी सर, अच्छा सा जी आप लोग पढ़ते बोले जैसे जी यस यस यस, अपना भाई रहते जी अस्मिना चढ़ा दी, जो जितना करीब है मैं तो देख रहा हूं उतना उसके ऊपर सख्त हो गए। जो जितना करीब है रिश्ते में पड़ोस में उन उसके ऊपर उतना सख्त और उसके लिए खतरा बन गए। क्या यह हकीकत नहीं है? हमारा गुस्सा, हमारा जलाल, हमारा हाथों का उठना, हमारा जबानों का चलना क्या अपनों के लिए आसान नहीं? कहीं को बोले तो शरीफ है ना मौलाना बैठस वाले, इन्हों मेरा क्या भी नहीं बिगाड़ लेते, जाके करो कुछ तो भी देखेंगे फला नगर में इधर उधर, तुम्हारे टुकड़े करवा देते, तुम्हारे लाश मिलने नहीं देते, वहां कैसा बन जाते। तो कहने का मतलब यह है जहां भी लोग दीन कैसा गालिब होगा,
दीन क्या सिर्फ नमाजा पढ़ लेना और रोज एक लड़ाई लड़ना और पेशियों को जाना। बात करूंगा तो काम ये छोड़ है, क्या बोले थे, मेरी कल पेशी है, सुबह पेशी है, दोपहर पेशी, आधी जिंदगी कोर्ट में गुजर रही है। कई का मुसलमान क्या काम करता है देख लेता हूं, बता देता हूं, सिखा देता हूं। ये मामूली गलती हुई तो माफ करने तैयार। एक आलिम साहब बोले, जब तक हम खुदा के बंदों को माफ नहीं करेंगे, अल्लाह हमारी मगफरत नहीं करता। ये उसूल है, आप सोच लीजिए अल्लाह के पास, क्योंकि अल्लाह को वही बंदा महबूब है जो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अब हम इस मुल्क में, हमारी हैसियत उम्मत मुसलमान की है, हिंदू के मुकाबले में हम मुसलमान नहीं है, सिख के मुकाबले में हम मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन के मुकाबले में हम मुसलमान नहीं है, हम उम्मत मुसलमान हैं जो बर्पा की गई है इस मुल्क में अल्लाह के फैसले और उसकी स्कीम और उसके मंसूबे के हम पैदावार हैं। हम ऐसे ही पैदा नहीं हो गए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम सारे मुल्क के लिए निकाले गए हो, तुम पैदा किए गए हो अल्लाह के फैसले से। तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम लोगों को नेकी का रास्ता बताओ और बुराई से रोको। तुम इस्लाम के नुमाइंदे हो, तुम इस जमीन पर और इस मुल्क में अल्लाह का आखिरी पैगाम हो। तुम्हारा हर कौल, हर अमल, हर रवैया, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अखलाक लोग देख रहे हैं, उसको इस्लाम की नुमाइंदगी समझ रहे हैं। तुम अच्छा करते हैं तो लोग कहेंगे कि इस्लाम की तारीफ का नतीजा है। बच्चियों ने एक मौका आया तो बताया, दुनिया ने मान लिया और जान लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमा नहीं, एक अकीदा है। जब दिलों में उतर जाता है तो गर्दन कट सकती है लेकिन हिजाब नहीं उतर सकता। मॉब लिंचिंग में जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया, लेकिन एक वाकया भी हमें ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई अपने ईमान को खो दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह जज्बाती अटैचमेंट के साथ अखलाकी अटैचमेंट बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए, मेराज का पैगाम यही है कि 11 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रहे हैं, 13 साल तक मक्के में है, 11वां साल है जब मेराज होती है। कब होती मेराज? मक्के में कोई नहीं सुन रहे, आपके खिलाफ तड़ी पार है, वारंट है। जितने लोग सुनने वाले थे, चंद शहीद रूहें आ गए, ताइफ को गए, वहां जाके सुना तो 9 हबीले के सरदार लौंडों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा, उन्होंने इतना मारा, इतना मारा कि आप बोलते जाते, कुरान सुनाते जाते, पत्थर खाते जाते, जूतियों में तक खून आ गया। थक हार कर एक अंगूर के बाग में बैठ गए, वहां फरिश्ते आए, अल्लाह ने अर्शे आजम पर उसका नोटिस लिया गया और फरिश्तों ने, पहाड़ों के फरिश्तों ने ऑफर किया कि अगर आप कहें तो ताइफ जो एक वैली है, दो पहाड़ों के बीच में है, उसको हम बस सेकंडों में पीस दें, दरमियान में जो है जवारी और गेहूं की तरह में पीस कर रखते हैं। कहा कि नहीं, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं, ये नहीं तो इनकी नस्लों में अल्लाह की हिदायत आएगी। ये है सोजे इंसानियत, ये है लोगों की हिदायत के लिए तड़प। इस लेवल के बाद अल्लाह ताला अपने नबी को अर्श के लेवल पर बुलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेराज है अखलाक की, जिसके बाद आपको हकीकी मेराज है। आज है हमारी अखलाक की मेराज। हम अखलाक और किरदार के लिहाज से किस लेवल पर हैं? देखो,
जिस दिन हम उस लेवल पर आएंगे इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में जो हमारी गिरेमी हालत है थर्ड बेंच पर नहीं, अल्लाह ताला हम आपको फर्स्ट बेंच पर लाए। टाइम हो गया है, इमाम साहब से दो मिनट चाहता हूं मैं। मौजूदा दौर में हालात में कर्नाटक से जो हिजाब रॉ के मुताल्लिक चल रहा है और नीयत अच्छी नहीं है हमारे बड़ों की हुक्मरानों की, नतीजे में उस मसले को किस तरह रुख दिया जा रहा है ये हमारे सामने तफसीलात सबको आगे। परसों हुए शिमोगा के कत्ल और उसके बाद के जो वाकियात हैं हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे कत्ल किसी इंसान का हो। कत्ल नाहक इज टू बी कंडम। और बाद में जो वहां पर दुकानों को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, इस लॉलेसनेस और कानून को हाथ में लिया गया, जबकि 144 था पुलिस के अहकाम थे, गैर कानूनी काम किया गया, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और आपसे मैं अपील करता हूं कि ये एक वाकया नहीं है, इस मुल्क में रहना है तो हमें मुसलमान बनकर जीना है, मुसलमान बनकर मरना है, तो मुसलसिल कोशिश करते रहना पड़ेगा। खाली ठंडे ठंडे जुम्मा के दिन मैं तकरीर करूं, कोई तकरीर करे, आप फैन के नीचे सुन लिए चले गए, नहीं चलेगा। जहन ये बनाइए कि हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हमारे जरिए से यहां तब्दीली आएगी और हमें काम करना है और मुसलसिल काम करना है, मरते दम तक करना है, क्योंकि ये दो दिन की दुनिया है, मरने के बाद हकीकी जिंदगी शुरू होने वाली। अब हमारी बेटियों और बहनों के लिए ये जरूरी है कि हम उन्हें छोड़ने के लिए जाएं, ड्रॉप देने के लिए जाएं, वहां कुछ देर ठहरें, वहां के प्रिंसिपल जिम्मेदारों से मुलाकात करें, अपना तारुफ कराएं। ये भी कहना पड़ता है कि बदनाम पेरेंट मुसलमान है, क्या ही बोले तो गालियां देते खाली जा रही, अरे कैसा पढ़ा रही क्या नहीं, कभी तो तारीफ करो प्रिंसिपल की, लेक्चरर की, बच्ची पास नहीं तो मीठे का डब्बा लेके जाके पूरे दावा था 9 बजे के बाद अपने खा ले रही, पढ़ाई से वाले को ना मिठाई पहुंचती ना उसकी खुशबू पहुंचती, फिर तुम्हारे अखलाक कैसा मालूम होंगे। उनको अपना नंबर दियो, उनका नंबर लियो, कुछ देर ठहरो, लेने जाओ, ये मुसलसिल अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी समझो, कुर्बानी दियो। इंशाअल्लाह अजायम बहुत बुलंद है हमारे लड़कियों के भी, एक सिंह से नाजुक होते हुए कई सैकड़ों बुरा चाहने वालों के दरमियान किस तरह ऐलान हक और हिजाब में हूं मैं, हिजाब में रहूंगी, ये ऐलान और इजहार आज दुनिया को हैरान कर दिया। इंशाअल्लाह इस जज्बाती बेदारी को हम शौरी बेदारी में तब्दील करेंगे, इंशाअल्लाह हम इस्लाम के शौरी तौर पर अपने आप को नुमाइंदे मानेंगे, समझेंगे और इस हैसियत को खुशी खुशी कबूल करेंगे जो अल्लाह ने हमें दी है। अब तक जो हुआ हुआ, कुफ्र के लिए, जाहिलियत के लिए लोहे के चने बनेंगे, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानकर सिबगतुल्लाह का रंग में रंग जाएंगे, ऐसा रंग जो दूसरों पर चढ़े, दूसरों का रंग का कुछ हमारे ऊपर असर नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन हालात में इस्तेकामत अता फरमा, हमारी नई नस्लों उनके ईमान की हिफाजत फरमा और बिरादराने वतन को भी हमें इसी हैसियत से देखने का मौका दे कि हम जो कर रहे हैं ये किसी के जिद में नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीम है, इसलिए हमारे लड़कियां हिजाब में हैं, किसी के मुकाबले में हमारा ये हिजाब नहीं है, ये कुरान की हिदायत है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 पढ़िए, सूरह नूर की आयत